तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हम आपका आपके अपने इस रेलवे यूट्यूब चैनल रेलवे इंक्वायरी के एक और नए इंटरेस्टिंग रेल वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान को दोस्तों एक ऐसी ट्रेन का हॉल्ट जो है अगले 6 महीने के लिए मिलने वाला है, जो कि हिंदुस्तान की सबसे तेज गति से चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस, या मैं बोलूँ दोस्तों हिंदुस्तान की दूसरी सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है। जी हाँ दोस्तों, करेंगे पूरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं आज के इस वीडियो को शुरू। वीडियो को एंड तक देखना दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक को शेयर जरूर से कर देना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना। तो करते हैं आज के इस वीडियो को शुरू बिना किसी देरी के। मेरा नाम है नितिन और आप लोग देख रहे हैं रेलवे इंक्वायरी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, ट्रेन नंबर 12001 और 12002 रानी कमलापति, या मैं बोलूँ दोस्तों हबीबगंज शताब्दी एक्सप्रेस, या नई दिल्ली से हबीबगंज, हबीबगंज से नई दिल्ली के बीच में चलने वाली, या फिर दोस्तों किंग शताब्दी एक्सप्रेस जो बोला जाता है दोस्तों, ये जो ट्रेन है अब आने वाले 6 महीनों तक 25 जुलाई से जो है दोस्तों ये जो ट्रेन है रुकने 15 जुलाई से धौलपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के ऊपर अपना हॉल्ट लेने वाली है। ये जो ट्रेन है दोस्तों रानी कमलापति से निकलने के बाद में ललितपुर रुकती है दोस्तों, भोपाल रुकती है, भोपाल के बाद में ललितपुर रुकती है, ललितपुर के बाद में झांसी, ग्वालियर, मुरैना, आगरा कैंट, मथुरा, और फिर उसके बाद में ये जो ट्रेन है दोस्तों नई दिल्ली पहुंचती है। नई दिल्ली से आगरा के बीच में ये जो ट्रेन है दोस्तों 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है, और वहीं दोस्तों आगरा से रानी कमलापति या हबीबगंज तक जो है दोस्तों ये ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। अभी देखने वाली बात ये है दोस्तों कि जिस तरीके से मुरैना के अंदर रोकथाम की गई थी इस ट्रेन की, क्योंकि इस ट्रेन का जो हॉल्ट है दोस्तों मुरैना में चाहिए था, तो दोस्तों उस तरीके से मुरैना में हॉल्ट दिया गया। वहीं अभी हम बात करें तो दोस्तों बीना जैसे रेलवे स्टेशन के ऊपर ये जो शताब्दी एक्सप्रेस है ये अपना हॉल्ट नहीं लेती है। वहीं धौलपुर के अंदर दोस्तों वापस से ये जो ट्रेन है इसका हॉल्ट यहाँ पर दिया जा रहा है आने वाले 6 महीनों तक, क्योंकि दोस्तों बीच में इसका जो हॉल्ट है यहाँ से हटा दिया गया था, लेकिन अभी कुछ रीजंस के चलते दोस्तों ये जो ट्रेन है अभी वापस से धौलपुर रेलवे स्टेशन पर रुकने वाली है। आप अपना ओपिनियन दोस्तों इस बात के ऊपर ज़रूर से दीजिएगा, और राजस्थान के लिए तो दोस्तों एक थोड़ी अच्छी बात ये हो जाएगी अगर इस ट्रेन को दोस्तों रेट ऑफ रिटर्न अच्छा मिलता है, रश इसको अच्छा खासा मिलता है। शताब्दी एक्सप्रेस है दोस्तों और हिंदुस्तान की सबसे तेज गति से चलने वाली और थोड़ी महंगी शताब्दी एक्सप्रेस भी इसे बोला जाता है, अगर इसे अच्छा खासा रश मिलता है तो दोस्तों 6 महीने के अंदर अंदर ये जो ट्रेन है परमानेंट हॉल्ट अपना धौलपुर रेलवे स्टेशन के ऊपर ले लेगी। अभी दोस्तों ये जो ट्रेन है सुबह और शाम की इसकी ट्रेन की टाइमिंग दोस्तों कॉमन है, रात के और सुबह के 8:41 पर दोस्तों ट्रेन जो है धौलपुर रेलवे स्टेशन पर आएगी और 1 मिनट का हॉल्ट लेकर के रवाना होगी। यानी कि अभी के टाइम पर तो दोस्तों अगले 6 महीने तक इसे सिर्फ 1 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। आगे अब देखने वाली बात ये रहेगी अगर इसे परमानेंट हॉल्ट दिया जाता है तो दोस्तों क्या इसके टाइम टेबल में चेंजेस किए जाएंगे, या फिर दोस्तों इसी टाइम टेबल के चलते 2 मिनट का हॉल्ट इस रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन का दिया जाएगा। अपना ओपिनियन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। तो करते हैं आज के इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म। मिलेंगे अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।